तो अभी हम आ गए हैं सेंट्रल मॉस्क अलमाटी। ये आप देख सकते हैं मस्जिद यहाँ की, गोल्डन कलर का इसका डोम है, गुंबद। थैंक यू। तो ये भाई ने मेरा वीडियो बनाया, अब अंदर चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अभी असर की नमाज का टाइम हो रहा है। अरे ये वाली भी मस्त लग रही है, ये क्या है? अरे भाई वेरी नाइस बैग। वो कहाँ मिलेगा? ग्लव्स और मिलेगा? अच्छा बाहर बाहर मिलेगा, सब मिलेगा बाहर। कितने ना अभी आते रुक जाओ, चलो बाहर तो चलो बाहर आओ ना बाहर। अरे आप लोग फीस वगैरह ले लेना। प्रवीण भाई आपको तो चलेगा ना? यार मैं तो खरीदना था, तुम कहाँ आ रहे हो? खाना तोड़िए कुछ नहीं ना अंदर से क्या? अरे तो खा के फिर आएंगे अभी, ऐसा उन लोग को लेट हो रहा है ना, लोग सिंबुल हाँ बस 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 अभी आ गए बाहर। आज ठंडा कम लग रहा है, टोपी उतार दो ना, कितना मस्त लग रहा है। टोपी उतारो। अरे बहुत बढ़िया मौसम है यार, वो तो पता ही दिख रहा है। आज मौसम बहुत बढ़िया है, आज मौसम बहुत सुहाना है। और ये जा रही है बस 113 नंबर अब्दुल्ला के साथ, अभी थोड़ा खाना है। मौसम बड़ा सुहाना है, मौसम बड़ा सुहाना है। अभी चार भाई हैं, उनको निकलना है सिंबुलक, तो वो सिंबुलक जाएंगे, तो उनको लेट हो रहा था इसलिए अभी हम आ गए नाश्ता करने। फिर नाश्ता करके वापस से जाएंगे बाजार में, कुछ खरीदना है। तो ये रहा यहाँ पे नाश्ता। उज़्बेकिस्तान गाइस, ये चिकन है और वो आगे बीफ है। चिकन वाला जो है 1300 टेंगे का है, बीफ वाला 1500 टेंगे का है, और दोनों मिक्स में 1500 टेंगे है। और ये नीचे पानी है 200 टेंगे। ये एक तरह से शौरमा जैसा है, यहाँ पे इसको डोनर बोलते हैं। और यहाँ पे ये पिज्ज़ा भी है। हाँ भाई हाउ मच? 1400 रुपये। हाँ तो वही वहाँ पे 1700 का था, यहाँ 1400 का है। 220-230 हो गए ना। तो वो क्या बोलते हैं, समोसा जो लिए थे ना, इनका लिए। अच्छा भाभी भाई स्पीच है बीफ समोसा चिकन? नो नो चीज 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 चिकन बीफ चीज चीज या मियासन में। अच्छा तो दोस्तों हम लोग गए थे वहाँ रेस्टोरेंट में, छोटा सा था, और खाना वहाँ पे हमने खाया। बिरयानी थी 250 रुपये की बीफ वाली, और उसमें एक भी था अंडा, और काफ़ी अच्छा था। तो ये भाई कैसा लगा आपको? बहुत मस्त है भाई, मैं यही रिकमेंड करूँगा। ग्रीन बाजार में जस्ट आप बाहर की तरफ आएंगे, कॉर्नर पे ही है, और एकदम मेन रोड के साइड है। बहुत बढ़िया है, क्योंकि हम लोग जहाँ कल दूसरे रेस्टोरेंट में गए थे वहाँ पे भी करीब 300 का था, और वही चीज़ यहाँ पे 250 रुपये का इंडियन रुपीज़ में। तो आप लोग आना अगर आप लोग नॉनवेज हो, और चीज़ वाला भी वहाँ पे सामसा ऐसा करके कुछ मिलता है, वो भी आप खा सकते हो। और अगर आप नॉनवेज हो तो आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, सब जगह हलाल फूड मिलता है। तो हमको यहाँ पे अच्छा लगा, तो अभी आ गए हम लोग खा के, और अभी वापस से ग्रीन बाज़ार में आ गए हैं। और यहाँ से पूरा फल का स्टार्टिंग है, ये देखिए ये पूरी फल की मार्केट है इस तरफ। तो गाइस अभी हम शॉपिंग करके आ गए हैं, मिठाई लिए, ड्राई फ्रूट वगैरह लिए, और भी भाई लोग सामान लिए हैं। तो ये ग्रीन बाजार है, और इसके चारों तरफ आपको स्ट्रीट मार्केट दिख जाएगी इस तरह की। और सबसे पहले ये चीज़ कि आप लोगों को बार्गेनिंग भी करना है, क्योंकि अगर आप बार्गेनिंग नहीं करेंगे तो रेट बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो थोड़ा बहुत आप लोग बार्गेन कर सकते हैं। कोई कोई शॉप है इसमें फिक्स रेट वाली भी, लेकिन इसमें कोई कोई बार्गेनिंग का भी है, तो आपको बार्गेनिंग कर लेना है। बहुत अच्छा ये चाहिए ना, ये देखो चाइना की बोट चैनल परफ्यूम वगैरह बेच रहे हैं। ओके ओके चलो चलो बैठो, टिकट वाला खुद नहीं है पहले टिकट लेने को। हां टिकट है, हां टिकट यहां यहां निकाल दो। दोस्तों अभी हम ग्रीन बाजार से जा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं ग्रैंड पार्क करके है कुछ, शायद बहुत बड़ा मॉल है मैंने सुना है। और अभी पहली बस हमने पकड़ी है, तो ये ग्रीन बाजार से 19 नंबर की बस जाती है 19 नंबर की। और यहाँ पे बस में सबसे अच्छा आपको ये है कि यहाँ पे कोई भी बस आप लो उसका 200 टेंगे लगता है। आप चाहे एक स्टेशन पे उतरो, चाहे 10 स्टेशन पे उतरो, कितना भी दूर चले जाओ सिर्फ 200 टेंगे आपको देना है।
और आप पूरे दिन बस में घूम सकते हो, लेकिन आप जिस बस में बैठोगे उसका सिर्फ 200 टंगे। अगर आप उतर गए वापस से आपको दूसरी बस पकड़ना है तो इस हिसाब से सस्ती है। अगर एक दो जन हैं तो सस्ती है एक दो लोग के लिए, अगर तीन चार लोग पांच लोग हैं तब तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उससे अच्छी आपको टैक्सी पड़ेगी। लेकिन इस तरह से अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, सिटी को एक्सप्लोर करना है, तो काफ़ी अच्छा है। सिर्फ 200 टंगे में आप पूरा घूम सकते हैं पूरे सिटी में कहीं भी आप। तो ये चलिए अभी आपको दिखाते हैं, ये आगे हमारे भाई बैठे हैं शोएब भाई और यैया भाई, तो अभी चलते हैं ग्रैंड पार्क। और ये हमारे भाई परवीन भाई गुड़गांव से हैं, तो अभी चलते हैं और आप देखिए यहाँ का नज़ारा बाहर का, और देखते हैं कितने देर में पहुँचते हैं, फिर मैं आप लोगों को ग्रैंड पार्क दिखाता हूँ क्या है वहाँ पे। तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं ग्रैंड पार्क में, और यहाँ पे आने में लगभग 40 मिनट लग गए बस से, और 200 टेंगे लगे थे। ग्रीन मार्केट जो थी, ग्रीन बाज़ार, वहाँ से 200 टेंगे लगे थे, और इसका नाम है ग्रैंड पार्क। एक और भी मार्केट है जिसका नाम है मेगा पार्क, लेकिन इसका नाम है ग्रैंड पार्क। और यहाँ पे सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं और काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन मॉल बहुत बड़ा है। अगर आपको घूमने आना रहे तो आप घूमने आ सकते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का, ये पिज़्ज़ा बर्गर का ये सेक्शन है, मतलब नाश्ता करने के लिए। और ये बच्चों के खेलने का है पूरा, बहुत बड़ा है पूरा, एकदम जैसे लगता है बच्चों के लिए एक सिटी बना रखी है। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा डेकोरेशन किए हैं बच्चों के लिए। बच्चों का यहाँ पे आके बहुत अच्छा टाइम पास होगा। यहाँ के जो लोग हैं अपने बच्चों लोग को खिलाने के लिए लाते होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं ना इस तरफ, यहाँ पे आके फिर उधर चलते हैं ना, कॉफी शॉप। ये देखिए अंदर सब बच्चे खेल रहे हैं, एक से एक बच्चों की एक्टिविटी है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए पूरा घर बना है। हाँ चलते हैं, अभी चलते हैं उधर भी। अच्छा हाँ वो भी हो सकता है। ये देखिए ट्रेन बनी है बच्चों की, वो आगे बूम बूम जा रहा है भाई, वो गाड़ी एक्सप्रेस। जू है, जू छोटे बच्चों का जू है, सुंदर थी। मेरे को नमस्ते बोले। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ी देर बाद, जो यहाँ का कपड़े का पोर्शन है शॉपिंग के लिए उस तरफ मैं चलता हूँ, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। Are you from Turkey? From Kazakhstan and Turkey. You Turk? Yeah. Okay. Hello, Arturul? Arturul, yes. Yeah. I'm a big fan of Arturul. Oh, yes? Yeah. You? India. India. India, oh. Yeah. तो दोस्तों अभी हम आए हैं इसमें ग्रैंड पार्क में, और यहाँ पे ये आइसक्रीम ले रहे हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज डेनियल। डेनियल? यस। ओके, ये डेनियल भाई आइसक्रीम बेच रहे हैं, और काफ़ी आइसक्रीम अच्छी अच्छी है यहाँ पे, ये सारे फ्लेवर हैं। ये देख सकते हैं आप, लाइट जला दिया उन्होंने, और ये 500 टेंगे का है। 500 टेंगे कितना हुआ? 100 रुपये की आइसक्रीम है, और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। ये सब लोगों ने वही फ्लेवर ले लिया है, ये भाई ने भी। तुमने क्या लिया अभी तक? लिए नहीं? नहीं। तो क्या ले रहे हो? कुछ नहीं ले रहा मैं तो, वैसे ही समझ रहा हूं। सही है इसका करोल बाग से। क्यों ट्रिप नहीं आया ये भाई? डायरेक्ट कितने का लिया? करोल बाग जाके खाएंगे। कितने का लिया भाई? पहले ले तो लो भाई। कितने का? 500 बकरी का दूध चलेगा ना? क्यों? ये को कितना है? कौन सा? अगर आप कभी भी अच्छा है क्या वो बकरियाँ, कभी भी आप अगर ग्रैंड पार्क आएँ तो यहाँ से आइसक्रीम ट्राई करें। और यहाँ पे ये बच्चों लोग का खेलने वाला है, वहीं पे ये है, और इसका नाम है मिलेंडो आइसक्रीम। तो आए हम कभी भी ट्राई करें, काफ़ी अच्छी आइसक्रीम है। खोल के लॉक, खोल के दे दो। अरे लॉक मार दो।
तो भाई अब्दुल्ला भाई ये तुर्की का झंडा फ्लैग लेके खड़े हैं ये आइसक्रीम के पास। ओके बहुत प्यारे लग रहे हैं अब्दुल्ला भाई, बहुत मुस्कुरा रहे हैं अब्दुल्ला भाई। ये अब्दुल्ला भाई खड़े हैं पीछे तुर्की का झंडा ले हुए, पीछे हमने भी इनसे आइसक्रीम ली है तुर्की वाला, और भैया बहुत ही बढ़िया आइसक्रीम भैया ने खिलाई है, और एक ग्रांड पार्क में है अलमाटी में, इनके पास ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर मिलते हैं। चलो खींचो, ये अपने अब्दुल्ला भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, अब्दुल ट्रेवल विद अब्दुल्ला इनका यूट्यूब पे चैनल है, और ये ग्रांड पार्क मॉल है। फॉलो अब्दुल्ला भाई, ट्रेवल विद अब्दुल्ला। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। ये अब्दुल्ला भाई अभी टर्किश कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं ग्रांड पार्क में, नहीं मजा आएगा अभी क्या दोबारा पहन लिए, बाहर निकल जाएगा। ये हम दोस्त यहाँ पे फनी मजे कर रहे हैं थोड़े बहुत चिल। ये अब्दुल्ला भाई ने टर्किश कॉस्ट्यूम पहनी है, जैकेट नहीं वो क्या बोलते अपने, ये अभी थोड़े बादाम फूट जाते भाई के लिए हुए अभी, ये टर्किश वो इसको जैकेट पहन ली है भाई ने अब्दुल्ला ने, और फोटो खिंचवा रहे हैं हम ग्रांड पार्क मॉल में। अब्दुल्ला भाई आपका चैनल फॉलो करो अब्दुल्ला भाई का, इधर देखो सी। हेलो गाइस, तो हम आ गए ये ग्रांड पार्क में, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यस बच्ची को ट्रेन, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लोथ के सारे ब्रांड यहाँ पे है। ये बहुत बड़ा है, ये 3 किलोमीटर में फैला हुआ है ये पार्क। कहाँ गए भाई हा? अरे वो गए बच्चों के अंदर, तो ये घुस गए भाई, ये दिख नहीं रहे थे, ये बच्चों की स्टोर में है। यह बहुत अच्छा अच्छा जैकेट है, बट ये मेरे ख्याल से लड़कियों का मॉल है भाई, सबका है भाई, सॉरी भाई। 10,000 ये बहुत सस्ता है भाई, सस्ता है बज नहीं। दोस्तों अभी आ गए हैं ग्रैंड पार्क से, और काफ़ी बड़ी मार्केट है, सारे इसमें सब ब्रांडेड शोरूम है, करीब मैं मुझे लग रहा है 2-3 किलोमीटर में होगी, और इसके 12-15 पता नहीं कितने सारे गेट है। ये देखिए आप 12 नंबर यहाँ है और 11 नंबर यहाँ, ऐसे करके बहुत सारे गेट हैं इसके, और उस तरफ से भी ये लगभग बहुत लंबा चौड़ा है। ये आप देख सकते हैं ग्रैंड पार्क करके है, और हम वहाँ से आए थे तो 19 नंबर की बस आती है, आप जब भी आए तो सर्च मार लें। यहाँ पे है तो चीज़ें बहुत महंगी, एक मॉल है ये ब्रांडेड मॉल है, लेकिन आपको अगर ऐसे ही घूमने आना हो, विजिट के लिए आना हो, काफ़ी बड़ा मॉल है देखने के लिए, तो आप आ सकते हैं। और ये हमारे भाई साहब देखो यहाँ से शॉपिंग किए हैं, ये शोएब भाई ये सब लिए हैं यहाँ से, टी शर्ट वगैरह जैकेट वगैरह, और अभी यहाँ से बस का वेट कर रहे हैं हम, और अभी हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का, टैक्सी हमने बुक कर दिया है, अभी फिर फटाफट से यहाँ पे निकलते हैं, फिर मैं आप लोगों से कल मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, थैंक यू।